हे गाइस, हाउ आर यू गाइस? लव यू यार, बहुत सारा प्यार आप सबको। एंड गाइस, आज का वीडियो यानी कि आपने देखा है कि हाउ टू यूज़ परफेक्टली ग्लू। गाइस, ये आज का वीडियो पूरी तरीके से गाइस उन्हीं बंदों के लिए बेस्ट नहीं है कि जो जिनको ग्लो का यूज़ नहीं आता या फिर जिनको ग्लो के बारे में कुछ पता ही नहीं है गाइस। सो गाइस, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये गाइस सबके लिए जिनका यानी कि जो फोर फिंगर ग्लो यूज़ करता है बट फिर भी स्टिल डाइट रहता है गाइस। यानी कि हमारे ग्रुप में एक मेंबर है, हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर एक बंदा है गाइस, वो फोर फिंगर ग्लो यूज़ करता बट फिर भी स्टिल डाइट यार। अरे कि वो बोलता कि भाई ऐसा क्या करूँ जो मैं भाई अच्छी तरीके से यानी कि अपना मेरा गेम प्ले सुधर जाए भाई। तो सब लोग उसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलते बट भाई यानी कि जो मैंने उसकी यानी कि निकाली है ना भाई कि ये क्यों मरता है, उसकी जो एनालिसिस करा है ना भाई वो ही बताने वाला हूँ। और उसके लिए भाई उसको भी डेडिकेटेड है कि भाई तू भी ये वीडियो देख। एंड भाई जिस जिसको भी फोर फिंगर ग्लो यूज़ करना है वो इस ये वीडियो देखे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, इसके अंदर यानी कि यहाँ पर मेरा अरेंजमेंट देख सकते हो आप लोग, यानी कि देख लो यहाँ पर मैंने कैसा अरेंज किया है। एंड गाइस, जिसको लगता है कि इस टाइप के ये मेरे लिए सही है, इससे मैं कर पाऊँगा, तो गाइस यानी कि जैसे कि सिंपल है गाइस, अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको फोर फिंगर क्लो स्टार्ट करना, तो गाइस ये बेसिकली आप इस तरीके से अरेंज कर लो। ये बहुत यानी कि मैंने इजी टू कन्वे यानी कि बहुत इजीली वे से यानी कि मैं अपने आपको इजी टू कंट्रोल कर सकता हूँ मुझे लगा, तो गाइज ये मैंने करके रखा है। गाइज, अब इसके अंदर मेन थिंग क्या है जो यानी कि इसका बेसिक रूल क्या, मैंने सबका साइज़ जरा फुल करके रखा। गाइज, स्पीक एंड फायर का भी साइज़ पूरा फुल है, जंप का भी, एंड क्राउचिंग, प्रोमिंग, गाइज इन सब का और रिलोडिंग सबका साइज़ फुल है। बस गाइज एक ये मोमेंट के लिए और एम फायर बटन का गाइज थोड़ा मीडियम साइज, मीडियम देखिए होगा इस मोमेंट का साइज मीडियम है। एंड जो मेरा मेन फायर है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, जो स्मॉल साइज फायर है इसका बहुत कम यूज़ करता हूँ बट फिर भी इसका साइज यानी कि जो पबजी वाले रिकमेंड करते हैं वही है इसका साइज़। सो गाइज, आप ये सब तो देख सकते हैं। एंड गाइज, बट यहाँ पर स्टिल क्या होता है कि भाई यहाँ पर अपन सब करते हो फिर भी भाई डाइड हो जाते हो। ट्रिगर यूज़ भाई, मेरे फ्रेंड्स उन ट्रिगर भी यूज़ करते बट भाई स्टिल डाइड। सो भाई उनको बात क्या थी कि मरने की, तो गाइज उनके मरने की बात क्या थी कि गाइज आपको अभी तो फर्स्ट टिप तो यही है कि आपको ये पूरा समझ तो आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अरेंज करना। बट गाइज, अब मेन बात उनके लिए आती है जिनके ऑलरेडी फोर फिंगर क्लो है बट फिर भी स्टिल डेड हो रहे। तो गाइज अब उनके अंदर बात क्या कि गाइज आपने फोर फिंगर क्लो का मीनिंग क्या निकाल कर रखा है, मूव प्लस एम प्लस शूट प्लस, गाइज इसका ये मीनिंग नहीं होता। इसके अंदर गाइज आपको चारों फिंगर का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मूव प्लस यानी कि एम और शूट। गाइस ये अलग अलग नहीं है, गाइस एम और शूट दोनों एक ही है। मूव प्लस क्राउच या प्रोम, गाइस जो भी आप नीचे अपने साइड में रखोगे, मूव प्लस क्राउच प्लस एम। एम मतलब अब गाइस वहाँ पर ये एम प्लस शूट वाला एम नहीं है गाइस, यहाँ पर ये स्कोप ओपनिंग वाला एम है। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये पीक एंड फायर का ऑप्शन लगा कर रखा है ना, तो गाइस इसके अंदर आपको पीक एंड फायर के ऑप्शन में पीक प्लस स्कोप ओपनिंग करना है। जैसे कि ये देखो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पीक प्लस स्कोप ओपनिंग यहाँ पर इनेबल करिए, तो जैसे ही आप पिक करेंगे वैसे ही आपका स्कोप ओपन हो जाएगा गाइस। सो आपको ये इनेबल करना है। सो गाइस आपकी सेकेंड टिप तो यही हो गई कि आपको पीक प्लस स्कोप ओपनिंग करना है। एंड गाइस हालांकि आपको है ना अपने राइट हैंड साइड पे स्कोप ओपनिंग जरूर रखना है। एंड गाइस क्राउचिंग आपको अपने थंब के हिसाब से जहाँ पर आपको यानी कि लगे कि सुटेबल हो, यानी कि यहाँ पर मैं इजीली कन्वे कर सकता हूँ, तो गाइस वहाँ पर अपना क्राउच एंड प्रॉम्प्ट रखिए गाइस, क्योंकि ये दो पोजीशन बहुत ज़्यादा काम आती है गाइस। रिड्यूस रिकॉइल, गाइस रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। एंड गाइस अगर पिक कर दोगे ना, तो गाइस पिक क्राउच एंड स्कोप ओपन है ना गाइस, AKM का भी रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो गाइस, इट्स माई गारंटी। देखो गाइस अभी भी मैंने AKM लेके रखी है। एंड गाइस AKM का रिकॉइल मैं इजीली वे से कंट्रोल कर सकता हूँ गाइस, क्यों? क्योंकि गाइस क्राउच यानी कि गाइस ये पबजी भी, ये सबको पबजी जो की जो टीम है गाइस वो भी ये बोलती है क्राउच पोजीशन में आने पे आप 25% रिकॉइल लेस कर सकते हो, और गाइस पिक करने पर तो 50% हो जाएगी। तो गाइस आपको सिर्फ 50% ही एफर्ट करना है किसी भी गन के रिकॉइल करने के लिए। सो गाइस अपनी थर्ड थर्ड टिप थी कि फोर्थ टिप थी कि सेकेंड थी, नहीं सेकेंड गाइस कोई सी भी रख लो गाइस, अपनी जो थर्ड टिप आती है ना गाइस उसके अंदर क्या आपको क्राउच पिक प्लस फायर, गाइस पिक में आपको स्कोप ओपन जरूर रखना गाइस। एंड गाइस यहाँ पर देखो मैसेज बॉक्स भी बहुत, अभी ये मैसेज बॉक्स व्हील मैसेज बॉक्स आ गया, बहुत प्यारा लग रहा है, उसका फंक्शन भी वैसे तो बहुत पहले से आया हुआ है बट गाइस अभी मैंने इसका यूज़ करा है।
आई मीन वीडियो में ऐसे तो रोज करता हूँ गाइज, है ना। सो गाइज इसको हटाओ, वॉइस ओवर है गाइज एक्चुअली ये तो। सो गाइज ये देखो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बताना है गाइज, क्या बता रहा था मैं। हाँ गाइज आपका पिक प्लस फायर प्लस स्कोप ओपन एंड क्राउच गाइज, क्राउच जरूर करना है गाइज, ये क्राउच करना वरना आपकी रिकॉइल कंट्रोल नहीं होगी गाइस। आपने जहाँ पर रिकॉइल, ये देखिए गाइस इजीली गाइस ब्रस्ट फायर पे रिकॉइल कंट्रोल किया है गाइस। ब्रस्ट फायर का रिकॉइल बहुत ज़्यादा हायर होता है, AKM से भी ज़्यादा होता है गाइस, ब्रस्ट फायर वाली गन का रिकॉइल कंट्रोल करना। सो गाइस यहाँ पर आप हर गन का रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। एंड गाइस अब मेन थिंग क्या आती गाइस, अपने चार कौन सी टिप थी मैं भूल गया यार जा रहे तो। अब ये जो अपनी एंड टिप आती है कि आपको अब क्या करना है, यानी कि कौन सा बेस्ट तरीका है आपके क्लो के लिए जो अपने हिसाब से सूटेबल हो। सो गाइज आप मेरी भी मत देखिए कि हाँ, अगर बिगेनर हो तो बिगेनर हो तो बिगेनर किसी का भी, यानी कि जो स्टार्ट कर रहा है ना, यानी कि जैसे कि आप अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हो कि नहीं अब मेरे को सेकेंड टू फिंगर से नहीं जम रहा है तो अब मैं मुझे फोर फिंगर क्लो यूज़ करना है, तो आप है ना किसी का भी फॉलो कर लीजिए। जैसे कि आप मॉर्टल की स्ट्रीम देखते हो तो आप मॉर्टल का बिल्कुल मॉर्टल के जैसे लगा लीजिए, आपको जिसका सही लगता है उसका लगा लीजिए। बट अगर आप लोग उन पहले से ही फोर फिंगर क्लो है एंड फिर अगर देख रहे हो ना तो अपना चेंज मत करिए, जो आपका है वही रहने दीजिए। बस आपको क्राउच एंड फायर एंड पिक इस चीज़ को ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल अपने स्मूथली वे में कर सकते हो, यानी कि थोड़ा साइज़ बढ़ा दो यार, साइज़ बढ़ा दो कि तो भी आपको यानी कि वो वहीं पर ही रहेगा एंड बस उसका ट्रांसपेरेंस थोड़ा कम कर देना एंड साइज़ बढ़ा देना तो ईजीली हो जाएगा यार आपका, है ना। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा आपको बिल्कुल बताना एंड गाइस अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो भाई एक लाइक तो कर ही देना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तुम्हारा भाई की बहुत गिरी हालत हो गई यार यूट्यूब पे, सो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।